यहाँ पे संतरे का एक पेड़ है, बहुत ही ज्यादा संतरा फला हुआ है यहाँ पे, ये देखो बहुत। हेलो नमस्ते जोहार, दिस इज सोनिक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRN ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप कि बढ़िया होगे। और मौसम देखो यार, आज पूरा का पूरा फॉग है, बगल की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। कैमरे में हल्की क्लियर दिख रही है, लेकिन जब रियलिटी में देख रहे हैं यार, पूरा धुंधला ही धुंधला दिखाई दे रहा है। और अभी सुबह का टाइम देख के बताते हैं, और सुबह का 8:30 हो रही है, और अभी हम उठे हैं क्योंकि कल हमारी जो ड्राइव हुई थी बहुत हार्ड वाली हुई थी, तो थकावट की वजह से उठ नहीं पाए थे, तो अभी उठे हैं। तो अभी एक काम है, हमें जाना है बगान में, चलते हैं बगान के पास, उसके बाद ही सारा बात बताते हैं। और अभी देखो, अभी हम गांव में हैं, मतलब पहाड़ी के नीचे में, और यहां पे देखो ये रही छोटी सी बगीचा, और ये घर। आसमान पानी पी लिया? तो भाई साहब आग के पास बैठ के गर्म पानी पी रहा है अपनी शक्ल मिरर में, यार कैसा लग रहा है पूरा तरह। चल चलते हैं अब, तब पूरा मतलब पूरा ही फोग फोग है। अब जा रहे हैं हम रोड के साइड में, और हमारी स्कूटी यहाँ पे, और दो बैल हैं। कुदाली पकड़ा, पकड़ के लाओ 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 लाओ। तो हम कल इसे ही लेके गए थे पहाड़ी के ऊपर में सामान पहुंचाने के लिए, और भाई साहब सामान लोड थी यार, पूरा ऊंचा तक सामान लोड था। तो वो सारा क्लिप हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम जाते हैं बगान में, वहाँ के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। देखो सामने में रोड है, लेकिन रोड भी नज़र नहीं आ रही है, और सूरज का तो अता पता नहीं यार। देखो यहाँ वहाँ पे छोटा सा चांद की तरह दिख रहा है, और आसमान तुम्हारा हालत बताओ कैसा है। जैसे ही घर पहुंचे ये तो सर दर्द देने लगा इसको, और ये सो गया था, खाना भी नहीं खाया ना रात में। तो कल यहाँ से हम गए थे सामान लेकर, और पहाड़ी के ऊपर यार कम से कम यहाँ से 16 किलोमीटर राउंड मार के गए थे। फिर तो रोड की जो हालत ही ख़राब है, जो रोड में हम हरदम आते जाते हैं ट्रैक्टर लेके, वही वाला रोड था, जाते समय उसमें गए थे, लेकिन जब वापसी आए तो दूसरे रोड में आए थे, शॉर्टकट वाला रोड में। और इस रोड का तो हालत ख़राब भाई, पूरा कल सिंगल लेन जो लीक है गाड़ी का, बस वही था, और पूरा पत्थर निकला हुआ, तो गाड़ी उछलते कूदते हुए आई है, और आदमी का तो यार अंदर पंजर ढीला हो गया है कल। अभी देखो मौसम, और ये रही सामने में रोड, ये रही यहाँ की मेन रोड जो कि इधर जाती है, तो बूढ़ा घाग, और बगान है यहाँ पे सामने में। हेलो रे भाई, तो ये रही बगान, इसमें भी हमें पानी पटाना है, और पानी पटाएंगे हम कुआं से, रस्सी द्वारा खींचेंगे, क्योंकि लाइन तो है नहीं, मोटर चलेगी नहीं अभी। तो अपना देसी जुगाड़ वाला सिंचाई करेंगे। और ये रही कुआं, यहाँ पे कुआं में पानी कितना है भाई, वो पानी तो ऊपर ही है, बट हमें खींचना पड़ेगा ये, इससे इसको इधर से लाइट खूटा बोलते हैं, और लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, तो बताना आसमान तुम पहले खींचो। और यार बहुत ज़्यादा ही पटाना है अभी। ये रही आलू की पौधा, तो वहाँ तक है, तो उसको यहाँ से लेकर वहाँ तक इसको खींच खींच के पटाना है पानी, भाई वाट लगेगी अपनी, मतलब 2-3 घंटा तो जाएगा। और क्या क्या लगा है इधर, लहसुन लगा है, उधर टमाटर, आलू, गोभी, धनिया, मेथी, प्याज और सरसों, और क्या क्या यार नहीं रे, बता रहे हैं क्या क्या लगा है, वो चीज़ बता रहे हैं। पटाएंगे तो सिर्फ आलू को, उसको पटाना, उसे पानी तो है, मतलब गीला है हल्का। और देखो ये बगान की नेक्स्ट छोर है ना, वो भी नजर नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा धुंध है। अभी थोड़ी कम हो, लेकिन सुबह में बहुत ज़्यादा थी, जब खिड़की से देख रहा था अंधेरा लग रहा था, तो सोने के बाद उठने का मन नहीं किया। और कल की हालत अपनी ख़राब ही है, हाथ दर्द कर रहा है, बट कोई नहीं, यहाँ पे अभी सुबह सुबह का काम है, रस्सी खींचेंगे तो लगे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक चीज़ दिखाएं, यहाँ पे संतरे का एक पेड़ है, बहुत ही ज़्यादा संतरा फला हुआ है यहाँ पे, ये देखो बहुत ज़्यादा संतरा है, देखो यार कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा, लेकिन इसको कोई खाता ही नहीं है। क्यों नहीं खाता है रे? अच्छा नहीं लगता है।
मतलब अच्छा लगता है। ये वाला संतरा खट्टा है तो ये संतरा नहीं है, ये क्या है भाई, ये खट्टा वाला क्या बोलते हैं इसको, जम्हेरे। तो ये वाला है, तो यह कोई पूछ ही नहीं रहा है। अचार बनाने के लिए मिर्चा वगैरह का अचार बनाने में यूज होता है इसका रस डाल के, बट वो भी कितना ज़्यादा डालोगे यार, इतना ज़्यादा है ही तो। हो और ये पेड़ देखो कितनी ऊंची है, कुछ नज़र नहीं आ रहा यार। मज़ा तो आ रहा है, मतलब ठंड मौसम ऐसी है मगर ठंडा नहीं लग रही है, बस मौसम ही ऐसा है। नहीं तो यार ठंडा लगती तो भाई वाट लग जाती है, अभी पानी को छूने का मन भी नहीं करता। बट कोई नहीं, चलो काम करते हैं, काम करने के बाद में बाकी क्या करने वाले हैं वो बताएंगे। तो हम काम करते हैं, आप हमारा काम करने तक में आप देखिए कल का ड्राइव हमारा कैसा रहा, मिलते हैं काम खत्म करने के बाद में। Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. 'Cause you brought me the sun. जबरदस्ती में यार आज आलू पटाके, मतलब जितना भी सब्जी था पटाके ख़त्म किए हैं, और अभी हम जा रहे हैं महुआडा मार्केट। मार्केट कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो अभी दोपहर हो चुकी है, आधा काम किए थे, फिर नाश्ता करने के बाद फिर से काम किए हैं, और थकावट लग रही है यार, पूरा आँख फड़ फड़ा गया थक के, इसका हालत देखो। चलो चला तो सबसे ज़्यादा आसमान को पानी खिंचवाया था, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत आदत था, जब हम खींच रहे थे तो यार बाल्टी डूब ही नहीं रही थी पानी में। चलो आप पहुंचते हैं बाजार और क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं चल के देखेंगे। फाइनली अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट के लिए हम घर से निकल चुके हैं। हम काम करके, मतलब बगान वगैरह पटा के आए, नहाए धोए, उसके बाद अभी मार्केट को जा रहे हैं। Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. तो हम आए थे शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग हो चुकी है, और रुमाल देख रहा है यार, तो हमारा जो कपड़ा खरीदे थे वो चला गया सेट होके, उसका प्राइस का मतलब पेमेंट करना है, उसके बाद निकलना है। सिलवाने वाला कपड़ा है, तो बाकी बताते हैं यहाँ से निकलने के बाद में। ये रहा शॉप, मनपसंद और हमारी सामान खरीदारी हो गई है, मतलब हम तीनों के ही। तो इतनी सारी भर भर के शॉपिंग हुई है, और भाई इसको वजन बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ नहीं हटेगा भाई, अच्छा लगे, अच्छा करो ना, इसमें क्या है। ओ चलो, इतना 5 kg तो वजन है इसका रे।
वही तो मैं डालना डालना अरे वैसा डाले ना कपड़े की तो अपने स्कूटी में बहुत ज़्यादा ही लोड हो गई है क्या लेफ्ट से सटाना भी मत।